अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या टूट रही है आप? आपका शीर्ष नेतृत्व क्या बचा पाएगा आपकी साख को? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। उसके करीब 7 सांसद दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान गायब रहे। 10 में से सिर्फ 3 सांसद पार्टी के लिए आवाज उठाते दिख रहे हैं। लोकसभा में आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया था। हाल ही में जमानत पर बाहर आए संजय सिंह से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा पार्टी इस विषय पर चर्चा करेगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की गिरफ्तारी एक ही मामले में हुई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह आपका चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। उनके अलावा आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक और एनडी गुप्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान सक्रिय रूप से दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राघव जड्ढा क्यों शांत है? अपनी पार्टी के लिए मुखर रहने वाले पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव जड्ढा पिछले महीने आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए थे। उनका मार्च के अंत में लौटने का कार्यक्रम था। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा अपनी फिल्म अमर सिंह चमकीला को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने के लिए वापस लौट चुकी है। लेकिन राघव चड्ढा अभी भी लंदन में ही हैं। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा सोशल मीडिया में लगातार बोल रहे हैं। संजय सिंह के बाहर निकलने पर भी उन्होंने खुशी का इजहार किया था। उनकी वापसी में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि सर्जरी के बाद उन्हें धूप से परहेज करने के लिए कहा गया है। पार्टी के एक नेता ने कहा जैसे ही उन्हें डॉक्टर से मंजूरी मिल जाएगी वो वापस आ जाएंगे और पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली से पहली बार सांसद बनी स्वाति मालीवाल इन दिनों अमेरिका में है। उन्होंने पार्टी से कहा कि उनके वहां रहने की जरूरत है क्योंकि उनकी बहन बीमारी से उभर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपके कई नेता केजरीवाल के समर्थन में सामने नहीं आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर हरभजन सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर से जुड़ी हुई है। पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने के बाद से आपकी गतिविधियों में शायद ही कभी उन्होंने भाग लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी वो चुप हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हाल ही में कई पोस्ट की हैं, लेकिन सभी लगभग आईपीएल के बारे में हैं। 24 मार्च को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान को उनकी बेटी के जन्म पर बधाई दी थी। पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और आप सांसद मित्तल भी पार्टी गतिविधियों से काफी हद तक अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। पंजाब से एक और सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 24 मार्च को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात स्वीकार की थी। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद बलवीर सिंह सीचेवाल को भी अधिकांश पार्टी विरोध प्रदर्शनों में नहीं देखा गया। विक्रमजीत साहनी दूसरे सांसदों की तरह ही आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से काफी हद तक अनुपस्थित हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिखर रही है? क्या उनके आने का इंतजार किया जा रहा है या फिर इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए किसी को अपना मैदान मजबूत करना होगा? वजह जो भी हो लेकिन आप में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है।